हाय, क्या आप डाइट में हैं और आपको चटपटा खाने का मन है बट हेल्दी भी? तो ये आज की रेसिपी है व्हीट डम्पलिंग्स और कैबेज एंड कैरेट का सूप, जो कि हेल्दी भी होने वाला है और टेस्टी भी। तो हमें सबसे पहले एक कप आटा लेना है, क्योंकि हम यहाँ डम्पलिंग्स बना रहे हैं आटे के। हम इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक डो में नीट कर लेंगे अच्छे से गूंद के, और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम चलेंगे डम्पलिंग्स की फिलिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तोरी को ग्रेट करके और गाजर को ग्रेट कर दिया है साथ में, और इसमें हम थोड़ा सा प्रोटीन के लिए पनीर भी ऐड कर देंगे और उसमें थोड़ी सी स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। बस अब हम इस फिलिंग को थोड़ा सा कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच सेसमी ऑयल लिया और सारी वेजेस को ऐड कर दिया। अब हम इसे थोड़ा कुक करके इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिया जस्ट फॉर द कलर, और विनेगर बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। तो अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो अब आप नोटिस करोगे कि सब्जियाँ जो है वो पानी छोड़ना शुरू करेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसमें से इन सारी वेजेज में से पानी को निकाल देना है। अब जो हमने यहाँ पे डो तैयार किया था उसमें हम इन फिलिंग्स को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल एक रोटी तैयार की, उसके ऊपर एक बाउल को प्लेस किया और उससे एक सर्कुलर शेप दे दी। आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल सा ही प्रोसेस किया है, कोई ऐसी फैंसी शेप नहीं बनाई। आपको जो भी शेप ठीक लगे आप वही बना सकते हो। तो यही सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें अपने सारे डम्पलिंग्स रेडी कर लेने हैं और फिर हम इन्हें करेंगे स्टीम। यहाँ पानी ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। अब बस हम टिन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसमें सारे डम्पलिंग्स को ऐड कर देंगे, और अब हम इन्हें 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे अच्छे से। तब तक हम चलेंगे सूप की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच सेसमी ऑयल, उसमें लहसुन, हरे मिर्च और लाल प्याज ऐड किया है, और उसे हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे जब तक वो थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे अपने चॉप्ड कैबेज और चॉप्ड कैरेट, इसे भी हम थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अगेन हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे जस्ट फॉर द कलर, और इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। फिर हमें इसमें वाटर ऐड कर देना है, क्योंकि हमें सूप कंसिस्टेंसी रखनी है, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल होने देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी, जो कि ऑप्शनल है, और इसे स्टिर करते रहेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अब बस हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और ये हमारा सूप रेडी है। अब हम चलेंगे डम्पलिंग्स की तरफ। तो देखो ये पूरा परफेक्टली रेडी है, परफेक्टली सॉफ्ट हो गया है। अब हम इन डम्पलिंग्स को सूप में ऐड कर देंगे और फिर से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बस अभी रेडी है, देखो ये देखने में भी कितने सही लग रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ग्रीन अनियन को स्प्रिंकल कर दो, और देखो रेडी, परफेक्ट हमारा डम्पलिंग रेडी हो गया है और परफेक्ट हमारा सूप भी रेडी है। तो बस अब आप इसे गरम गरम सर्व कर लो, गरम गरम खा लो। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।